राधे जय कृष्णा। इंडियन इंडस्ट्री पर मैं पंडित शिव गुरु आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अर्पित करता हूँ। आइए बात करेंगे माता के चतुर्थ स्वरूप, चतुर्थ दिन की। माता का चतुर्थ रूप कुष्मांडा का रूप है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के रूप में चतुर्थ स्वरूप जो माना गया माता कुष्मांडा का, बड़ी विधान से बड़े भाव से अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की और ब्रह्मांड की रचना की, इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी जाना गया। अब यद किया जाता है इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों ने कहा है कि इनकी आठ भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार होकर के माँ कुष्मांडा के सातों हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है और आठवें हाथ में जपमाला है जो सब प्रकार की सिद्धियों को युक्त कराने वाली है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप कुष्मांडा रूप में माता की पूजा करके ये जीव धन्य हो जाता है। सभी प्रकार की कामनाओं को प्राप्त करने वाला, जिनको दैहिक दैविक सुखों की प्राप्ति करनी है, जिनको जो भी कामना मन में है, संकल्प विचार है, माता कुष्मांडा का पूजा करने से उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री कार्तिक प्रेमेश्वर के साथ वैदिक ज्योत चर्चा। जय श्री राधे, जय श्री। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एस्ट्रो।